Okay, I will invite Sayyid Francis Ali Shah. Francis Saab is program to conduct karenge. Sir, please come and start the program. ये पहले मेरा नाम पैनल में भी आया था, फिर मुझे ये कहा गया कि मैं इसको मॉडरेट भी करूं, तो ये मेरे लिए आसान है क्योंकि जब ज़्यादा स्कॉलरली और बड़े लोग बैठे हों तो उसमें ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं लगता, तो मैं सवाल करने पे इक्तफा करूंगा और फिर इन हजरात से आप जो हमारा टॉपिक है आज का उसके बारे में इनके ख्याल हम सुनेंगे। मैं शुरू करना चाहूँगा कैसर मंगाली साहब से। मैंने आपके कॉलम्स भी पढ़े, आपके लेक्चर्स भी सुने, एंड आई एम ग्रेट एडमायरर ऑफ योर थॉट्स, जो आप पाकिस्तान के बारे में आपका एक विजन है, उनमें दो चीज़ें मुझे बहुत नुमाया नज़र आई। वन इज़ you are very passionate about is the indigenous development, hamare mulk ki apni resources jo hai usko istemal karte hue hum kahan tak ja sakte hain aur usko kaise istemal karna chahiye, and the second thing you are very concerned and passionate about ki hamare jo aise sectors hain awam ke jo less developed hain ya less privileged hain unko opportunities फराहम करने के क्या अंदाज और क्या तरीके हो सकते हैं। तो आपसे इस बैकग्राउंड की मुनासिबत से और आज के टॉपिक को उससे मुंसलिक करते हुए, अभी इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही गई कि ये पेट्रोलियम या ऑयल एंड गैस का जो एक सेक्टर है, हम देखते हैं कि दुनिया में कई ममालिक हैं जहाँ पे जो तरक्की को एक स्टिमुलस मिला है वो नेचुरल रिसोर्सेस में उन कंट्रीज़ ने जब कामयाबी हासिल की उनके ढूंढने में। अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो अमेरिका में भी जब गोल्ड रश वेस्ट की तरफ हुआ तो वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, टेक्सास में ऑयल डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे करीब के ममालिक में भी हम देखते हैं कि पिछले 40-50-60 साल के अंदर जहाँ ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज हुई और वहाँ पे हालात बदल गए, अब वो कंट्रीज़ जहाँ पे लोग टेंट्स में बाज जगहों पर रहा करते थे अब वो हमसे बहुत आगे हैं, और उसकी मेन स्टिमुलस जैसे मैंने कहा कि इस वजह से मिला। आपसे मैं अपनी तनकीद बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ताब सवाल में, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल ही करूँगा जब आप लोगों ने देते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको सम अप करते हुए हमारी नेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए, ये जो एक हाइड्रोकार्बन का एरिया है, ये जो पेट्रोलियम का एरिया है, इसकी अहमियत क्या है और क्या इस पर हम उतनी तवज्जो दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया पेट्रोलियम क्लब का मुझे यहाँ दावत देने का। थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ माशाल्लाह सारे इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, अर्थ साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। मेरी अभी यहाँ बैठे हुए कामराज अजीज साहब से 5 मिनट की ब्रीफिंग मुझे उन्होंने दी कि यह एक्सप्लोरेशन होता क्या है और केकड़ा क्या है, मैंने काफ़ी सीख लिया। अब सोच रहा हूँ अगला PhD इसी सब्जेक्ट कर लूँ। यू जस्ट हैव टू बी अ गुड टीचर समटाइम्स। जी, रिसोर्सेज तो बहुत अहम है, किसी भी किस्म के रिसोर्सेज हो, और उसके बगैर आप हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं, उसको कैपिटल बनाते हैं, और कैपिटल को फिर उससे इनकम हासिल करते हैं। तो एनी किसी किस्म के भी रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। हाइड्रोकार्बन है, बिजली है, ये इसकी अहमियत इस तरह है कि दे आर लाइक ऑक्सीजन फॉर एन इकॉनमी। अगर एक इंसान है, द बॉडी इज़ देयर बट इफ देयर इज़ नो ऑक्सीजन द बॉडी विल डाई। इसी तरह अगर
ये रिसोर्सेज जो मूव करते हैं हमारी हरकत में लाते हैं हमारी इकॉनमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को, तो वो फिर पहले भी बिफोर एनी हाइड्रोकार्बन वॉज डिस्कवर्ड दुनिया तो चलती थी, लेकिन बड़ी लो लेवल वर्ल्ड थी, लोग नेचर पे डिपेंड करते थे कि कुछ सीड्स डाल दिए, बारिश हुई तो पौधा निकल आया, उससे खुराक कुछ खा लिया बना लिया, दरख्त काट के लकड़ी से घर बना लिए। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह हम देखते हैं, तो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि रिसोर्सेज के बगैर। लेकिन बाकी अगर रिसोर्सेज हैं तो बिजली के बगैर तो हम बिल्कुल ही नाकारा हो जाते हैं। जब बिजली जाती है घर में, और मतलब अगर अंदाज़ा लगाएं कि आपने किसी दावत में जाना है और ऐन वक्त में बिजली चली गई, तो कपड़े इस्त्री नहीं हो सकते और आप बाद जा नहीं सकते। तो ये हम इतने डिपेंडेंट है हर चीज़ पे। अगर कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और ज़्यादा देर तक बिजली गई है और पावर ख़त्म हो गया और आप प्लग इन नहीं कर सकते, तो काम रुक जाता है। फ़ोन हमारा अगर आउट ऑफ तो बैटरी डेड हो गई और बिजली नहीं है तो हमारा फ़ोन काम नहीं कर सकता। सो सर्टनली वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि दुनिया टेक्नोलॉजिकली बहुत इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ऐसे भी मुल्क है जिनके पास अपने हाइड्रोकार्बन वसाइल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक जो नया फेज़ आया है, मतलब हमने शुरू वर्ल्ड स्टार्टेड विद द हंटिंग इकॉनमी, शिकार करके लोग अपना गुजारा करते थे, फिर वो पेस्टोरल इकॉनमी आई, फिर एग्रीकल्चरल इकॉनमी आई, इंडस्ट्रियल आई, पोस्ट इंडस्ट्रियल आई। ये जो स्टेज है ये नॉलेज इकॉनमी का स्टेज है, और नॉलेज इकॉनमी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि रिसोर्सेज से, फिज़िकल रिसोर्सेज से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, ब्रेन पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, तो आप रिसोर्सेज, फिज़िकल रिसोर्सेज की कमी को भी ओवरकम कर सकते हैं किसी तरह से, आप उससे हासिल कर सकें। और ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिन्होंने ये हासिल किया है, तो अपनी जगह इम्पोर्टेंस है रिसोर्स की। दूसरा ये कि एनर्जी के फॉर्म्स भी बदल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ गए, सोलर आ गया है, विंड पावर है, बल्कि कुछ कमर्शियल नहीं है लेकिन समुंदर की वेव से भी बिजली पैदा की जाती है, और सो बट सोलर हैज़ आई थिंक द इन द लीड। बाकी तमाम जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें सोलर लीड में है। और एज एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ कि, और मेरा ये मौक़िफ़ रहा है, आपने भी इस पर इशारा किया, कि 25% ऑफ आर, 1/4 ऑफ आर इम्पोर्ट बिल इज़ ऑयल। और ये जो हर वक्त हम बहरान में रहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, और हर दफ़ा हम कभी सऊदी अरब के पास पैसे मांगते हैं, कभी चीन के पास मांगते हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी अमेरिकनों के पास जाते हैं, इस दफ़ा तो मलेशिया के पास भी गए थे, और बात है कि उन्होंने कोई हमें कोई जवाब सही नहीं दिया। लेकिन ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़दह बात है वैसे एक पाकिस्तानी के, कि हम हर 3-4-7-5-7 साल के बाद जाके भीख मांगते हैं लोगों के पास। ये ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मईशत को इस तरह चला सकते हैं कि हम अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान वसाइल के हवाले से बहुत ही अमीर मुल्क है, रिसोर्स रिच कंट्री, और हमारी वो आबादी की का प्रेशर नहीं है जो इंडिया का है। हम तो इंडिया से बेहतर इकॉनमी बन सकते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो सकती है, हमारी गुरबत की शरह कम हो सकती है, हमारी बेरोज़गारी की शरह कम हो सकती है, लेकिन आज पूरी दुनिया इंडिया की वाह वाह करता है और हमें तो अब तवज्जो भी नहीं देता। Nobody mentions us anymore। और इंडियंस जो हैं, मोदी ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया, उसको किसी ने पाकिस्तान के बारे में पूछा तो उसने कहा, छोड़ दीजिए पाकिस्तान की बात ना करें, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा।
लेकिन हमने अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचाया है कि लोग अब हमारे बारे में इस तरह बात करते हैं. ये हम डिफरेंट कर सकते हैं. हमारे यहाँ मुझे नहीं पता कितनी लंबी मैंने बात करनी है या शॉर्ट करनी है. ओके, सात किस्म के POL प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लो स्पीड डीजल है, हाई स्पीड डीजल है, फर्नेस ऑयल है, एविएशन ऑयल है, पेट्रोल है वगैरह इस तरह से डीजल. तो लेकिन दो जो है वो 60% प्लस या समटाइम्स 70% प्लस इस्तेमाल करते हैं, वो फर्नेस ऑयल है और डीजल है. हम फर्नेस ऑयल इस वक्त तो फर्नेस ऑयल पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन फर्नेस ऑयल हम अपनी दो तिहाई बिजली जो है वो थर्मल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अपना कोयला इस्तेमाल नहीं करते थे. हम अभी भी कोयले के जो प्लांट्स लगाए हैं वो इम्पोर्टेड कोल पे लगाए हैं, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सिचुएशन को हेल्प नहीं करेगा. पॉलिटिकल रीजंस की वजह से थर्ड कोल पे कम से कम 20 साल मुखालफत रही है. जब हालात बिल्कुल ही बिगड़ गए तब जाके थर्ड कोल को डेवलप करने का ग्रीन लाइट दिया गया और पावर हैज स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम थर्ड कोल. अगर 1988 में जब पहली दफ़ा प्लान बनाया गया थर्ड कोल को डेवलप करने से, तो पाकिस्तान में ये लोड शेडिंग का फेनोमेना आता ही नहीं, क्योंकि थर्ड कोल 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है. अगर हम ये कर लें तो फर्नेस ऑयल और इम्पोर्टेड कोयल हम नहीं इम्पोर्ट करेंगे, हमारा बिजली का जो इम्पोर्ट्स है वो कम होंगे, डॉलर पे प्रेशर कम होगा, और ये जो हर थोड़े अरसे के बाद डिवेल्यूएशन होता रहता है ये नहीं होगा. दूसरा ये कि डीजल हम क्यों इतना इस्तेमाल करते हैं. 95% ऑफ आर गुड्स इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट इज़ बाय ट्रक्स. ट्रक्स जो है वो ट्रेन जो है इट्स 1/3 चीपर दैन ट्रक्स इन टर्म्स ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर यूज. अगर हम रेल से अपना ट्रांसपोर्टेशन करें तो हम तकरीबन 17-18% डीजल कम इम्पोर्ट करेंगे, वो डॉलर पे कम प्रेशर होगा, ये जो कांस्टेंट डिवेल्यूएशन है ये नहीं होगा. मसला ये है कि वापडा का अपने इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो इंडिजिनस कोल को नहीं डेवलप किया, और जो ट्रांसपोर्ट लॉबी है, ट्रकिंग लॉबी है, बुनियादी तौर पे NLC, इसने रेलवे को कमज़ोर किया. रेलवे एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, लेकिन जब से NLC आई है वो लॉस में जाने लगा, क्योंकि किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाहे वो शहर के बस का निज़ाम हो, वो कार्गो पे चलता है, उसका प्रॉफिट नहीं आता है पैसेंजर से. जब आपने रेल से कार्गो ले लिया आपने रेलवे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. तो अगर हम अभी भी रिवर्स कर लें तो ये दो जो हमारे ड्रेन है, एनर्जी का ड्रेन है. तीसरी बात ये कि आई थिंक सोलर पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सोलर में बड़ा पोटेंशियल है, आधा से ज़्यादा बलूचिस्तान सोलर पे जा सकता है, उसमें कोई ट्रांसमिशन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर हम ये कानून बना दें कि एवरी हाउस मस्ट हैव अ सोलर पैनल और कुछ हिस्सा बिजली का वो खुद ही पैदा करें, तो हम मेरा ख्याल है अपनी जो कंजम्पशन पे कंट्रोल कर सकते हैं. जो फाइनल पॉइंट पे देना चाहता हूँ कि हमारी सारी हर चीज़ में, हर सेक्टर में हमारा स्ट्रेस होता है कि हम प्रोड्यूस ज़्यादा करें. हम कॉन्जर्वेशन पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करते, प्रोड्यूस करके ज़ाया कर दें वो और बात है, लेकिन कॉन्जर्वेशन ना करें. तो आई थिंक कॉन्जर्वेशन पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है. थैंक यू. थैंक यू मोहित साहब. आप को मैं आई विल आस्क यू के अंदर काम भी किया है कई साल, and I know that he carries a treasure of knowledge with you, with him, with respect to his expertise, jis jagah inki jo domain hai, aur uske alawa bhi as a whole is well versed in the industry, har pehlu se uske inki waqfiyat hai. Moreover, Mohit sahab, aap se jo main sawal karna cha raha hu usme aapka jo experience sirf Pakistan mein hai usse hat kar bhi, क्योंकि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, आपको ये एक्सप्लोरेशन फील्ड का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है. आपसे मेरा सवाल, जो एक अच्छी तमहीद, अच्छी बात
फैसल बंगाली साहब ने रख दी। उसके बाद ये है कि हमारा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, एक जनरल आपसे इसका ओवरव्यू चाहता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आ जाएंगे कि दुनिया के मुकाबले में हमारा एक्सप्लोरेशन कहाँ खड़ा है। हाउ मच वी हैव सीन आवर कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन। शुक्रिया फराज साहब, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की छठी सबसे आबादी का मुल्क है, 212 मिलियन पीपल। और इस मुल्क में इस वक्त गैस की जो थ्रूपुट है फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, थ्रू एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन, थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। और तकरीबन 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे जो है वो एलएनजी की फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, विच कॉस्ट अस अ लॉट, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर इट विद द इंडिजिनस रिसोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट कॉस्ट अस, बिकॉज इन इंडिजिनस हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज वी पे लेवीज, डिफरेंट टैक्सेस, रॉयल्टीज, वी जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। But here, you know, we are just parting ways with the foreign exchange. और पाकिस्तान की जो constrained demand है वो तकरीबन 7 billion cubic feet per day के हिसाब से है, और पाकिस्तान की unconstrained demand population की basis के ऊपर अगर हम सबको energy supply करें, जो कि हम जो कि सबका हक है, अलग कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को villages में politicize कर दिया गया, उसको सप्लाई कर दी गई, ज़ाहिर है कि ये एनर्जी अगर देहातों में से और विलेजेस में से और ट्राइबल एरियाज में निकलती है तो उन एरियाज का हक है। ये तो कोई बात नहीं है कि मतलब आप 1950 में सूर्य गैस डिस्कवर करते हैं, उसके बाद 3 साल के बाद 4 साल के बाद उसको 1952 में करते हैं, 3 साल बाद फिर उसको कराची में, और फिर उसके 5 साल बाद इस्लामाबाद में, और फिर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और फिर कोयटा में उसको 1986 में लेके जाते हैं। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की अनकंस्ट्रेंट डिमांड तकरीबन 12 TCF है, 12 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। अच्छा, सबसे ये कैसे बंगाली साहब ने, डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ओरिएंटेड है, फ्यूल फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड है, वेल हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड गैस ओरिएंटेड, और उसी की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल भी उठता जा रहा है, और उसी की वजह से हमारी रुपी की डिवैल्यूएशन भी होती जा रही है। नेचुरली वी हैव टू पे फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, और जिस तरह की हम लोगों की फंड्स मैनेजमेंट है उस हिसाब से वी आर नॉट एबल टू, यू नो, व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी 15 years ago डॉलर वाज 70-65 rupees a dollar, डॉलर वाज आई सेलिंग एट 65 rupees, एंड नाउ इट इज 157-158, आई मीन In 15 years, it is 3 times the amount that it has devalued to. So, it costs a lot of money actually, importing the gas through LNG and not paying attention to our indigenous resources like thar coal, which we should have started 20 years ago, as Dr. Saab said. प्लस देखिए, चाहे कुछ भी कह लें हम, हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैपन्स टू बी द चीपेस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड थैंक्स टू द मिडिल ईस्ट एंड ऑफ कोर्स सम नॉर्थ अफ्रीकन एंड ईस्ट, नाउ दैट इज गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो, सो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड नेचुरली इन नॉर्थ अमेरिका they have come big time in terms of shale gas production and they are exporting LNG actually. So isme Pakistan ki jo potential hai wo main aapko sawal kiya tha iske upar, to Pakistan ka area hai taqreeban sedimentary area taqreeban 880,000 square kilometer, aur Pakistan ne itne bade area mein taqreeban 1200 wells exploration के ड्रिल किए हैं, और क्लेम किया जाता है कि हमने 390 डिस्कवरीज के लिए, अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, यानी उसी डिस्कवरी को खैरपुर के नाम से किया है, फिर उसी डिस्कवरी को कांद्रा के नाम से किया है,
और इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हैं जो कि अंडर मार्जिनल है, 2 PGF की 3 BCF की डिस्कवरी है। तो हम उन सबको अगर डिस्काउंट करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 160-170 की डिस्कवरीज रह जाती हैं। और हमारा डिस्कवरी का साइज अगर हम देखें, मैं क्रीमी का मसल में दिखाना चाह रहा था, हमने पाकिस्तान की इंसेप्शन के बाद से सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी वो 1952 में सुई गैस की हुई थी, एंड दैट स्टैंड स्टिल एज द लार्जेस्ट गैस डिस्कवरी ऑफ द कंट्री। ओनली फाइव ईयर्स आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान दिस डिस्कवरी वॉज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, एंड दैट डिस्कवरी दैट हैपेंड इन द सेंटर of the country, right in the middle of the country, so that we could develop the gas infrastructure at that time to the north, to the south, and eventually to the west in very short time. You know, in Saudi Arabia and Qatar is importing the largest LNG. They are sitting on the largest gas. Wait a second. ये एक म्यूजिक आ रही है, या तो अगर इसे बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे यूज किया जा रहा है तो आई एम फाइन, लेकिन अगर नहीं तो फिर उनसे बता देंगे। मेरे ख्याल है कोई वेडिंग फंक्शन चल रहा है। तो कतर जैसे मुल्क में जहाँ वो यू नो दे आर सिटिंग ऑन 1200 TCF, सुई इज ओनली 12 TCF 12.5 TCF 1200 TCF, एंड दे आर यूजिंग LPG इन देयर होम्स, and we have been able to develop the infrastructure. In 1955 people have started using actually gas in their kitchens, they're starting gas and burning gas in their geysers in 1955, only 3 years after that. So Pakistan has been depending on gas. Pakistan is barely a gas prone country. So as far as our gas is concerned, we are using 4 BCF of indigenous gas production per day plus 1.2 of LNG, which is costing a lot of money to the extractor, while we are sitting on one of the largest coal reserves, which are of low grade, lignite. But lignite is generating a lot of electricity in China. The other thing is, very important thing is, Pakistan, only 30% of the country is basically occupied by the licenses that have been granted. If we look at the creaming curve of Pakistan, creaming curve means that you know how year wise we have made different sizes of discoveries and how they have grown. So we discovered 50% of the reserves of the country in first 25 or 30 years. And then as we moved along, our discovery size started decreasing. And right now, starting with 12 BCF, which is like 12,000 BCF, we are discovering at the average of 40-45 BCF. तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए इसको मैं तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि डू यू फील देयर समथिंग, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास ह्यूमन पोटेंशियल ब्रेन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम ये क्लेम भी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी आपकी तरह बाहर काम किया तो मैंने अंदाज़ा किया कि हमारे जो ब्रेन हैं, हमारे लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं इंटरनेशनली, दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, दे आर सेकेंड टू नन। वो कॉम्पोनेंट हमारे पास मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हमारे पास वो भी मौजूद है। What is missing? हाँ, मैं आपको बताऊँ, आपको इसके अंदर देखें, हम बहुत लंबी जंपे लगाते हैं, हम शेल गैस की बातें करने लगे हैं। शेल गैस तकरीबन 25 से 30 साल लगे थे, 30 साल एक्चुअली इन USA टू रीच टू दिस लेवल वेयर दे स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग इट। नाउ शेल गैस हैज बिकम सो चीप दैट इट इज सेलिंग एट $2.4 पर MMBTU। व्हेन वी do the economics in Pakistan for shale gas, it comes to about 16 to 24 dollars per MMBTU. This is how the shale gas will work. This is the kind of economics that is needed. This is the kind of gas price that you need to give. So there is a precursor to shale gas. It's tight gas. Tight gas is easier to develop, is easier to frack, and of course the technology is the most important part. The gas price is the most important part.
giving the gas price to the indigenous resource is the best option that that government can do. Because, you know, you're not only developing indigenous resources, you're collecting taxes and royalties, you're generating a lot of employment through that. So yes, we haven't touched upon that resource, the tight gas. We know that 30 trillion cubic feet of tight gas, non-tight gas is available. Plus, there is a potential of about 100 trillion cubic feet of tight gas. In Pakistan, so far, we have discovered 56 trillion cubic feet of gas. And plus, there is a potential for 100 trillion cubic feet of shale gas. But, you know, for as a thumb rule, if the per unit of gas, if we need, if we require one well, then for tight gas, we will require 4 wells. And for shale gas, we will require 15 wells. And the shale gas wells are much more expensive. In USA, it has become economical because of the economies of scale, because of the availability of technology on their doorstep. It is only a phone call away. Then we are, of course, you know, bogged down by our PPRA and different rules that public sector company, we have to follow the lowest bidder and the technically qualified. You know, so in Pakistan, you will not believe it, there's only one frack unit. While there are thousands of frack units in North America, in Canada, and they are so cheap, drilling a well in shale gas and tight gas in Pakistan, in USA is 1/10 of the cost that would have cost us in Pakistan. So we should really start stepwise, number one. Number two, we jumped in the ultra deep offshore. This prospect, Kekra, I would, of course, ENI people are sitting here, Khan Arshad Saab is here. I knew about this prospect, which was drilled in 2002. Total drilled a well, Total had this block, in this block G. Total did the seismic. Total mapped two prospects in Indus G, Indus G1, Indus G2. They drilled in the G2 in the 2100 meters of water depth because they found a mound-like structure. They drilled that well, but the water depth was higher, the sedimentary thickness was lower, the kitchen area was smaller, the structure size was smaller. They found excellent quality reservoir, but very minor, less than minor shows of hydrocarbon gas, which you find everywhere. If you drill in the backyard of your home, you'll find gas. We have drilled a prospect, G2, with the name of Kekra-1, just 70 kilometers away from that, and it is the 101% analogy of Indus Park G2, which was drilled by Total. So, and we drilled this well with 12% chance of success. The flip side is 88% chance of failure. Of course, we knew about all the risk elements, and that's why we assigned 12% chance of success. But still, there was so much hype in the media, at the ministerial level, at the prime ministerial level. I don't know. I paid 25% cost of this well. PPL was 25% partner. And we jumped in the offshore. You know, Pakistan onshore. Pakistan has the second largest delta fan system in the world. Indus Delta, Indus Delta. Pakistan's Indus Delta is analog to world's large producing deltas. I'll give you an example, just three examples. And I'll give you, say, name you some more examples. Niger Delta has the recoverable reserves of 45.5 billion barrels of oil. It is a tertiary delta. It is very much analogous to an Indus Delta. Within the water depth of about 100 to 150 meters, starting from 10 meters actually, 50 meters. Offshore East Kalimantan in Mahakam Delta of Indonesia, 10.7 billion barrels of oil. In Nile Delta, 5.3 billion barrels of oil equivalent have been discovered. Then
Oil has been discovered in Mackenzie Delta of Canada. Oil has been discovered in the Mississippi Delta of Gulf of Mexico in USA. And you know, amazing success stories from the Gulf of Mexico. And it is only from because of Gulf of Mexico, the oil capital was moved from Tulsa, where I studied from actually, moved from Tulsa to Houston only because of the Gulf of Mexico, Mississippi Delta. Gippsland Basin, the Delta system in the Australia. So there are, you know, and Godavari Delta in India. So all the deltas are producing. Even the Irrawaddy Delta in Burma. See, these deltas are producing. Nobody is paying any attention. 17 wells have been drilled offshore, 4 or 6, 5 wells in the Makran offshore, and about 12 or 13 wells in the Indus offshore. And only 10 wells have been drilled on the delta, and only 3 reached the target. Otherwise, the rest did not reach the target, or they encountered mechanical or operational failures. I don't know why we are not focusing on that. It is much cheaper. Right. So thank you very much. Actually, you did a very good job in explaining the offshore part of the exploration. Or usme Moin saab ne, kyunki aksar log yahan pe टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जियो साइंस के, पेट्रोलियम इंजीनियर के, और जो लोग नहीं हैं उनकी आसानी के लिए एक दो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि ये जो हमने केकरा वेल के हवाले से मुझे साहब ने बताया कि इससे पहले टोटल ने एक वेल ड्रिल किया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर था जो जिसमें सेडिमेंट थिकनेस कम थी, तो जाहिर है उसमें कॉस्ट ऑफ वेल जो थी वो कम आती थी। कि ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रिल किया है, हमारी इससे बड़ी होप्स थी। उसकी रीज़न थी कि इसमें सेडिमेंट्री थिकनेस ज़्यादा थी और वाटर डेप्थ कम थी, 1900 मीटर की, और किचन एरिया स्ट्रक्चर का या माउंट का जो साइज था, क्योंकि हम अब रिजर्वायर हमारे पास रिस्क नहीं रहा था, सो वी न्यू अबाउट द रिजर्वायर, और स्ट्रक्चर का जो साइज था वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था, और किचन एरिया जो था जिसमें सोर्स रॉक होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है और फिर चार्ज करता है रिजर्वायर को, वो तकरीबन 3 टाइम्स बड़ा था पहले वाले वेल से। तो वी हैड अ लॉट ऑफ होप्स। तो बिल्कुल यही बात कि जो दूसरा हमने ड्रिल किया स्ट्रक्चर केकड़ा का, वो एक तो साइज में बहुत बड़ा था, फिर उसका किचन एरिया जैसे मुझे साहब ने कहा, इट वॉज क्लोजर टू जो मॉडल किया गया जिसकी बेसिस पे हमने एग्री किया कि वी विल ड्रिल इट, तो वो यही था कि इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन माइग्रेट कर जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज एक्सप्लोरेशन इज लाइक दैट। ये कई वेल्स होते हैं, उसमें से बहुत कम वेल होते हैं जिनमें कामयाबी होती है, और एक बेसिन को समझने के लिए यू हैव टू ड्रिल वेल्स। तो हमारे पास जैसे मोहन साहब ने कहा कि एक जो इंडस डेल्टा है, जो शैलो ऑफशोर है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे साथ ही इंडिया की डिस्कवरीज हैं और उसको भी हमें देखना चाहिए। अब इसके आगे बात को बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा एक टॉपिक में एक पार्ट जो है वो फ्रंटियर बेसिन्स का भी है, और फ्रंटियर बेसिन्स इन अर्थ साइंसेस टर्म्स, उसको वो फ्रंटियर हमारा जो सूबा था उससे कंफ्यूज ना करें, बल्कि फ्रंटियर बेसिन्स वो हैं जहाँ पे हम नई एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है, तो उनको हम फ्रंटियर बेसिन कहते हैं, जिसमें बलूचिस्तान का जो हमारा ज़्यादातर प्रोविंस है उसका एरिया सारा उसमें आता है, और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन की जो रफ्तार रही है पूरी आज़ादी के बाद से वो बहुत कम रही, हालांकि वहाँ पे सबसे बड़ी डिस्कवरी भी हुई, लेकिन वहाँ पे बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम अभी नहीं पहुँच सके, बहुत बड़े बड़े बेसिन्स हैं और उसके लिए काम नहीं हो सका है, और उसमें बहुत सी वजूहत रही हैं, और मैं ऐसे बकारी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि उन पर कुछ इजहार ख्याल करें, क्योंकि ये बलूचिस्तान में भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के एडवाइज़र रहे हैं, वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल हैं, कभी सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल हो जाते हैं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसाइल हो जाते हैं, और कुछ मसाइल तो ऐसे हैं जिनका आमतौर पर लोगों को शायद पता नहीं हो, क्योंकि आई एम पर्सनली इन्वॉल्व, आई केम टू नो कि बलूचिस्तान जैसे सूबे में जो लैंड ओनरशिप है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, गवर्नमेंट की खातों में ये नज़र आता है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, जब आप वहाँ जाते हैं तो लोग पेपर लेके आ जाते हैं कि दिस इज़ माय लैंड, और मेरे पास उसके कागजात मौजूद हैं, पार्टीशन वो ब्रिटिश ज़माने के कागजात होते हैं,
तो nobody's यानी it's not clean हमारे लिए जो operators हैं उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं तो ये सारे मसाइल हैं बलूचिस्तान में क्योंकि आपकी नजर रही है उस सुबह पे मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसके बारे में कुछ हमें कुछ एडवाइस करें कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है या आपकी आवाज हमारे कुछ मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं गवर्नमेंट सर्कल्स तक भी जाएगी तो उनके लिए भी कुछ फरमाएं पता नहीं मैं एडवाइस देने के काबिल हूँ या नहीं और ये भी नहीं पता कि एट द कंपनी लेवल आप क्या कर सकते हैं एट द कंपनी लेवल तो आप अपनी बेस्ट प्रोफेशनल इनपुट देके काम कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो पॉलिसी लेवल के होते हैं बलूचिस्तान की जो आबादी है वो मैक्सिमम 20 जो आबादी है उसमें 30 लाख खानदान है फैमिलीज़ जो है 20 लाख फैमिलीज़ हैं बलूचिस्तान में और अगर आप एक खानदान को एक नौकरी दें तो आपको 20 लाख नौकरी सिर्फ देनी है 2 मिलियन जॉब्स इज़ नॉट अ बिग डील आप ये तय कर लें कि चले आधे तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है किसी न किसी हवाले से तो आपको सिर्फ 10 लाख नौकरी पैदा करनी है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है ये 2 से 3 साल में आप इतनी नौकरी पैदा कर सकते हैं अगर बलूचिस्तान में एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लॉन्च करें बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसका ये अंदाज़ा लगाएं कि ग्वादर से क्वेटा जाने का कोई रास्ता नहीं था ये 2 साल पहले बना ग्वादर से कराची का कोई रास्ता नहीं था ये 2004 में बना आज़ादी हम 1947 में हासिल की लेकिन पहली सड़क ग्वादर से कराची जो बनी है वो 2004 में बनी है इससे पहले जो गाड़ी चलती थी जिसको इत्तेफाक से केकड़ा कहते थे वो कन्वर्टेड वर्ल्ड वॉर वन की ट्रक्स होती थी जो चलते थे और वो अपने साथ एक एक्सल रखते थे और 2 टायर्स रखते थे कम से कम क्योंकि रास्ते में एक्सल टूट जाता था टायर बस्ट हो जाते थे और 2 रात तो गुजारनी पड़ती थी जो अंडर द ओपन स्काई गुजारते थे चूँकि और तो कोई ज़रिया नहीं था तो ये एक पस मंज़र है उसकी बलूचिस्तान की पसमानदगी का और जो नाराज़गी है वहाँ पर वो ये है वही है कि 1952 में गैस डेवलप हुआ इस गैस की बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाया गया और आपने ज़िक्र किया कि किचन में हम इस्तेमाल करते हैं आज भी करते हैं हम गैस को जलाए रखते हैं माचिस बचाने के लिए ये प्रैक्टिस अभी भी है चूँकि इतना सस्ता है गैस यानी हमारे घर में अभी भी आफ्टर ऑल द प्राइस इंक्रीजेज गैस का बिल जो है वो 1000 रुपये से कम आता है और जितनी सस्ती गैस है इसका मतलब बलूचिस्तान को उसकी कीमत नहीं मिली और मेरी ये किताब पिछले साल फरवरी में मैंने बलूचिस्तान पे लिखी है उसमें एक चैप्टर है गैस के ऊपर और मैंने कैलकुलेट किया है कि बिटवीन 1965 एंड 2014 प्राइसेस बलूचिस्तान से 7 खरब रुपए ट्रांसफ़र हुए 7 ट्रिलियन रुपीज़ टू बेसिकली सेंट्रल पंजाब एंड कराची बेसिकली तो इशू ये है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अच्छा मैं थोड़ी वाकफियत है जो सिक्योरिटी सिचुएशन आप फेस करते हैं मैं OGDCL का बोर्ड मेंबर था 2 साल तक और उसी दौरान एक अटैक हुआ था और 6 उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं देवर किल्ड ऑन द फील्ड तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ किस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन आप फेस करते हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड वो एक डीप रूटेड नाराज़गी है कि बलूचिस्तान के वसाइल को लेके बाकी मुल्क तो तरक्की कर गया बलूचिस्तान नहीं किया मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इफ़ वी बम्बार्ड देम विद जॉब्स वी डोंट हैव टू बम्बार्ड देम विद ड्रोन्स यू नो दिस इज़ ट्रू ऑफ फाटा एज वेल दिस इज़ ट्रू ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री तो बलूचिस्तान को पैसिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन जब तक हम उन पे उनको डंडे मारते रहेंगे वो पैसिफाई नहीं होगा और अगर वो
फौज से नहीं लड़ सकते हैं तो वो फिर सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढेंगे, और सॉफ्ट टारगेट्स जो है वो ऑयल कंपनीज के इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पर काम करने जाते हैं। और ये मैंने पहले आपको एम्प्लॉयमेंट का इसलिए फिक्र बताया कि ये 1 मिलियन जॉब्स देना कोई मुश्किल काम नहीं है, और लफ्ज़ियाती की ये बात है, मेरा एक चैप्टर है उसी किताब में कि गवर्नमेंट सर्विस में कितनी शेयर है बलूचिस्तान का, यानी ग्रेड 22 में 2013 में 22, 21 और 20 में ना होने के बराबर रिप्रेजेंटेशन था, पर डिवीजन वाइज दिया है, यहाँ तक के प्रेसिडेंट हाउस में ग्रेड 1-4 में भी कोई बलूचिस्तान का बंदा नहीं था। मतलब ये कहते हैं कि जी पढ़े लिखे नहीं है बलूचिस्तान के लोग तो हम उनको रख नहीं सकते, लेकिन 1-4 में तो कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई पीएन भी नहीं था प्रेसिडेंट हाउस बलूचिस्तान का। तो ये जब तक आप महरूमी का एहसास नहीं ख़त्म करेंगे वहाँ पर बलूचिस्तान में कोई काम नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर। कमिंग बैक टू मोइन साहब, ऑयल कंपनीज, एक नेशनल ऑयल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज हैं, रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने ऑफशोर की भी बात की, फ्रंटियर की भी बात कर रहे हैं, तो इन कंपनीज़ की ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम ऑलवेज वी थिंक कि हम इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज को अट्रैक्ट करें और अपने पास ले के आए। इस सिलसिले में आप कुछ फरमाएं कि वो क्या तरीका है, वो क्या गुर हैं कि जिसके ज़रिए हम इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि अंडर एक्सप्लोर्ड है, आपने माना कि ऑफशोर भी और ऑनशोर भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, व्हेन आई जॉइंड दिस इंडस्ट्री बैक इन मिड 80s, दे वर अबाउट 6 or 7 अमेरिकन कंपनीज वर्किंग हियर, अबाउट 6 or 7 कैनेडियन कंपनीज वर्किंग हियर, 3 or 4 ब्रिटिश कंपनीज वर्किंग हियर। नाउ वी हैव नन, वी हैव Chinese companies, we have Eastern European companies like Coalition Mall. We had the last easternmost Western European company OMV, which just sold its share to UEP. So we have had a lot of capital flight from Pakistan. Keeping aside the capital flight by the politicians. So we have had the exit really from Pakistan. Now how do we counter that? You know, they attribute it to the prospectivity of Pakistan also, because if we look at the creaming curve of Pakistan, so this is, you know, very evident. I wanted to show it on the slide, that this is how the gas has been discovered in the country, how gas reserves have been, this is gas reserves and this is year. You know, starting from 1900 until today, and you can see that we discovered a lot of reserves, more than 50% in the first 30 years. This is oil. So this is 1 billion barrels of oil. This is about 9 billion barrels of oil or gas equivalent. Oil equivalent gas. So we are a gas-prone country. In oil, we are reaching almost plateau. Still not the plateau, still 15 degrees. But in gas, though we are discovering small gas fields, but a lot of them. And still you can see the graph is showing 45 degrees. When the graph shows a plateau, that means you have saturated. And this is for the part of the country where the exploration has been possible. So this does not account for the frontier exploration area. And the offshore. And the offshore. So frontier exploration, that is the name of the game. So we have to sell Pakistan in two ways, two fronts. One is the technical, the prospectivity wise, the gas, the tight gas. I was in Calgary last week and I made a presentation at Global Petroleum Show, and I showed them the fiscal regime of Pakistan, the gas prices that we offer, and I challenged them that name me a country in the world that can offer better
better fiscal terms than Pakistan. So come to Pakistan. But unfortunately, we have not been able to create a soft image of the country vis-a-vis the terrorism and violence and all that. It's all bullshit. You know, it's all, this is, most of it is just media. Of course we have problems. Every country has problems. USA has problems. So, soft image. And then we have to create a technical good image of the country. That we are not bad. We have good quality human resource working all over the world. Plus, our geology is good. We are exploring only in 30% of the country, where still we have 45% incline. It's not a plateau. Plus, frontier area, which is wild. But of course, frontier exploration is expensive. The cost of security is very high. In 10 wells that we have drilled in the PPL have drilled in the frontier area during the last probably 6 or 7 years. We have spent $32 million in security alone. That's humongous. That is deterrent for the international investor. We have to do things like that. And unfortunately, companies have to bear this cost. Government should take the responsibilities. We've got the probably 6th or 7th largest military in the country. And what is happening is that they are making money out of the oil companies providing the security. Do you think that is fair? I'm very sorry to say this. This may sound a controversial statement, but how would the international oil companies come in Pakistan? When the national oil companies, see, I have got only so much budget. I got so little foreign exchange. I can only do so much exploration in the frontier. Beyond that, I run out of cash. So it's the international companies have to come. But you have to provide them the environment. You have to sell the prospectivity, you have to sell the soft image, you have to provide them the security. They will come. If we, when I was able to tell them and challenge them that on our system, you name me a country where you can get a better fiscal term than Pakistan, and I challenged and I showed them this graph. This is presentation from my last week, and I showed them this graph that see here, even after 70 years of independence, we are still on the incline, on the creaming curve. Actually, creaming curve shows that when the basin gets mature or saturated, where you won't find any more discovery, you look for new basin. We are finding discoveries in the basin where the exploration has been possible, let alone the frontier areas and the offshore. Thank you, Mohin sir. Very nicely put. This answer covers a lot of angles to my question. Main sirf do aur sawalat karunga, ek Mohin sahab se aur ek Faisal Mangali sahab se, balki pehla sawal main Mohin sahab se karunga. Before that, main aapko ye kyunki security pe baat ho rahi thi, aapne bhi Balochistan ka zikr kiya, fir unhone farmaya ki security cost itni zyada hai companies ke liye ki it's a deterrent. उसके बाद सॉफ्ट इमेज की बात की, वेरी राइट, ये हम यहाँ पे वीक है, हमारा इमेज जो है इतना ख़राब है कि जितना होना नहीं चाहिए. बहुत सी जगहों पे इससे ज़्यादा, आई वर्क इन नाइजीरिया, यहाँ पे मैंने पहली दफ़ा गनशिप हेलीकॉप्टर से फायर होते हुए देखा लोगों पे पहली दफ़ा. तो वहाँ पे भी काम होता है, इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज वहाँ काम करती हैं. इमेज की बात है, इमेज हमारा जो है प्रॉब्लम करता है हमें. तो मोइन साहब, आपसे जो सवाल है मेरा, बिकॉज इट्स कंटिन्यूएशन, तो आपसे पहले कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं बाद में करूँगा, और वही उसी से रिलेटेड सवाल आपसे करूँगा इकोनॉमिक्स के हवाले से. कंपनीज को एडजस्ट करना पड़ता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से. मैं नेशनल ऑयल कंपनीज की बात कर रहा हूँ. डाइवर्सिफिकेशन एक वर्ड है, बस वर्ड है, वो कहते हैं कि कंपनीज को डाइवर्सिफाई करना होता है. अगर एक एरिया में आपको कुछ लिमिटेशन हैं, देन यू गो टू द अदर एरिया, ताकि एक से दूसरे, वो कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स में भी शायद यूज़ होती हो ये कि यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप इसके अलावा, जो कि हम जिसमें हम गुफ्तगू कर चुके हैं, आर देर सम अदर एरियाज और एवेन्यूज? नहीं, पहले आप फरमाइए कि हम कहीं. डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियरली जरूर बता दिया था, मेरा भी ये था कि मैं इस पर डिस्कस करूँगा. लेकिन डॉक्टर, देखिए, पाकिस्तान में रिन्यूएबल का एक्सट्रीम पोटेंशियल है. मैं डॉक्टर से बात कर रहा था शुरू में,
कि इंडिया सिर्फ विंड पावर से, विंड एनर्जी से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जितना पाकिस्तान टोटल नहीं करता। और विंड तो चलो ठीक है, एक विंड के कॉरिडोर होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे खारो का कॉरिडोर है, आई पर्सनली सीन दैट कॉरिडोर, इट इज अमेजिंग, यू फील लाइक फ्लाइंग इन द एयर, घरों का ठट्टा कॉरिडोर जो है, इसी तरीके से और भी जगहों पे कॉरिडोर है। लेकिन द सेकंड थिंग इज दी इस पर इज दी सोलर एंड इन बलूचिस्तान डॉक्टर साहब ने कहा कि 20 मिलियन फैमिलीज हैं, 20 मिलियन फैमिलीज तो कुछ भी नहीं है, एंड द प्रॉमिस इज ह्यूज, यू कैन नॉट बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 मिलियन 2 million families. 2 million families. Sorry, 2 million families. Only, same. Which is nothing. So you cannot build the the national electrical grid infrastructure in a country in a province like that. Off grid solutions. Yes. So, but you have to provide the energy to them. They are your people. So the solar is the solution. And Balochistan has the largest irradiance in the country. Larger than India, larger than anywhere in the world, really. Is the best. Now, Mujahid sahab would support me that how much solar potential we have got. Excellent. जो एक और बात है जिसकी तरफ मैं सोच रहा था कि आप आएंगे, लेकिन let me just phrase it a little bit. वो ये है कि आपने जैसे एक्सपेंस की बात की, सिक्योरिटी पे हम इसे करते हैं, बिकॉज आई लुक आफ्टर दी इराक एसेट ऑफ PPL, जहाँ पे हमने पहला इंटरनेशनल वेल किसी पाकिस्तानी कंपनी ने अभी ड्रिल किया और हम ड्रिल कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल चले गए थे कुछ अर्से पहले, मोइन साहब तो उस ज़माने में थे कंपनी में, मैं नई ज्वाइन की थी, तो आप इस हवाले से भी मोइन साहब थोड़ा सा बिफोर आई गो टू हिम विद द सेम क्वेश्चन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कंपनीज आती हैं हमारे पास इन्वेस्ट करती हैं, हम बहुत बड़ा वो करते हैं कि एक्सॉन आ गई, उसने इतने मिलियन डॉलर हमारे पास कर दिए, हमने भी बाहर इन्वेस्ट किया, तो इसको आप किस तरह डाइवर्सिफिकेशन के बैकग्राउंड में इसको भी जरा देखिए। मैं आपको सिर्फ एक इसमें जवाब तो खैर बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आई कट इट शॉर्ट। देखें जी, पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि डिमांड क्या है, अनकंस्ट्रेंड, एंड दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड एनर्जी टू एवरीबॉडी, एवरी पर्सन। पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज से वो डिमांड पूरी नहीं करता। इंडिया और चाइना उसका मॉडल है, इंडिया इज द चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, प्रॉब्ली इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट, एंड दे आर दे हैव आर सक्सेस स्टोरीज फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, दे हैव गॉन इंटरनेशनल एंड मल्टीप्लाइड देयर reserves plus assets 100 times and they barter the energy. China is the example that they explore and they import the gas from gas and oil from those countries to China. So yes, that is the solution. We must not forget Pakistan, we must continue with Pakistan, but we should be internationalizing also. I know there have been opportunities missed by PPL, by national oil companies, but there are still opportunities outside. When you cross the border, it becomes kind of unlimited opportunities. तो ये बात तो हो गई डॉक्टर साहब कि हमने इस बात पे भी एग्रीमेंट है हमारा तकरीबन कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रेन जो है हमारे पास मौजूद है। मोइन साहब ने इस पर भी बताया कि चाइनीज़ और इंडियन कंपनीज से हमारे पास मॉडल है, पेट्रोनास इज अनदर मॉडल, मलेशियन कंपनी जो बाहर चली गई जिन्होंने एक्सप्लोरेशन किया और वहाँ से अपनी, हमें तो गैस चाहिए, हमें तो एनर्जी चाहिए, जहाँ से भी आए वो बार्टर हो जाए। तो आज से 50 साल पहले वो जुडिशियल बनी थी, 67 में बनी थी, 50 साल हो गए जब ही ONGC भी बनी थी, दोनों तकरीबन एक ही एसेट बेस पे काफ़ी अर्से तक रहे, $2 बिलियन अभी, मतलब जैसा कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की तकरीबन $2 बिलियन थी, इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया की $7 बिलियन है ONGC की।
जो उनकी नेशनल कंपनी है, हमारी अभी भी $2 बिलियन। ठीक, तो डॉक्टर साहब आपसे जो मेरा सवाल है, इसमें जो आजकल हमारा जो सिचुएशन है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से और एक दबाव है इकोनॉमी पे, तो ऐसी सिचुएशन में ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो दुनिया में आती रहती हैं और इससे हमें फ़ायदा भी उठाना है। हमने इम्पोर्टेंस की भी बात कर ली ऑयल एंड गैस के, कितना है, आप कैसे देखते हैं कि इज़ इट बैलेंस कैसे करें अपने पोर्टफोलियो को या कैसे आगे चलें? ये तो थोड़ा पेनफुल सब्जेक्ट है मेरे लिए, ऑफ गार्ड नहीं, पेनफुल सब्जेक्ट है मेरे लिए। सवाल तो ये है कि हम हाउ कैन पाकिस्तान बिकम मल्टीनेशनल, और हम डॉलर कमा के ले आए। जो डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती है फॉरेन एक्सचेंज की, दो फील्ड्स में होती हैं, एक गुड्स में और एक सर्विसेज में, और अभी तीसरा अकाउंट स्टेट बैंक ने खोला है, विच इज़ अ, सो यू हैव अ ट्रेड बैलेंस विच इज़ इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यू हैव अ सर्विस बैलेंस, एंड यू अभी उन्होंने इनकम बैलेंस स्टार्ट किया है 2009 से। पहले इनकम बैलेंस सर्विस बैलेंस साथ था, मतलब अगर आप की कंपनी बाहर काम कर रही है और वो प्रॉफिट भेज रही है तो वो सर्विस बैलेंस में आता था, अब इनकम बैलेंस में आता है। बाहर की कंपनी यहाँ काम करके डॉलर भेज रही है तो वो जो है इनकम बैलेंस में आता है। 2009 तक इनकम ना हमारी कोई बहुत ज़्यादा इनकम थी, ना हम बहुत ज़्यादा आउटफ्लो था डॉलर का, तो वो इट वाज़ पार्ट ऑफ द सर्विस बैलेंस। लेकिन 2003 के बाद जब इतनी तेज़ी से आउटफ्लो बढ़ा है प्रॉफिट रिपेट्रिएशन का, जो बाहर की कंपनी यहाँ काम करती है, कि उनको स्टेट बैंक को एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ी विच इज़ कॉल्ड द इनकम बैलेंस। मुझे नहीं पता, मतलब ये जो इनकम बैलेंस है उसमें रिसीट्स तो ना होने के बराबर है लेकिन आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। और 2000 ये जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, शौकत अजीज़ जिसके प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने तमाम दरवाज़े खोल दिए गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के लिए। चाइना में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया FDI, वो मैन्युफैक्चरिंग में आया लार्जली, एंड वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि वो एक डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को एक डॉलर मिलता है, और वो कंपनी 90 सेंट जो है अपने मुल्क को एज प्रॉफिट भेज देती है, चाइना को फिर भी 10 सेंट का फ़ायदा है। ये नोशनल फिगर दे रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ जितनी FDI हुई और जो प्राइवेटाइजेशन हमने की, PTCL की, के इलेक्ट्रिक की, बैंक्स की, तमाम बैंक्स की, ये सारे सर्विस सेक्टर्स में है। ये तमाम गैर मुल्की कंपनी जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये रुपीज़ में रेवेन्यू कमाते हैं, डॉलर में अपना प्रॉफिट भेजते हैं। तो डॉलर आउटफ्लो हमने क्रिएट कर दिया, इनफ्लो कोई नहीं है, ये भी एक वजह है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का। तो ये जो अगर हमारे पास एक पॉलिसी हो हुकूमत की, पाकिस्तानी कंपनीज नॉट जस्ट इन ऑयल एंड गैस बट एनी पाकिस्तानी कंपनी, दे शुड बी इन्वेस्टिंग अब्रॉड, मेकिंग मनी एंड सेंडिंग डॉलर्स टू पाकिस्तान, वो पॉलिसी ही नहीं है इस तरह की। कोरिया जो है उसमें अगर 4 कंपनीज़ हैं, वो कोरिया के अंदर तो कम्पीट करती है आपस में, बट आउटसाइड द वर्क इज़ अ मोनोपोली, एज ए नेशनल मोनोपोली। ये नहीं होगा कि कंपनी ए जो है आउटबिड कर देगी कंपनी को बी को बाहर के किसी टेंडर में, देन वो फिर कलूट करती है। इनकी पॉलिसी है, कोरिया की पॉलिसी है, इंटरनली वो कंपटीशन रखते हैं ताकि क्वालिटी हो, डोमेस्टिक मोनोपोली ना हो, ताकि वो आप कीमत भी बढ़ा देंगे, क्वालिटी भी ख़राब कर देंगे, तो फिर आप तो इंटरनेशनली भी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे। तो वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन के ज़रिए क्वालिटी मेंटेन करते हैं, प्राइस इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर जब जाना होता है तो ये आपस में कम्पीट नहीं करते, दे एक्ट इज़ वन कंपनी इफ़ेक्टिवली, जहाँ एक कंपनी बिड करेगी दूसरी नहीं करेगी, और एक दूसरे को सपोर्ट। पाकिस्तान की कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं, बल्कि मुझे
मतलब आपने शुरू में कहा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे इस बात पे भी दुख होता है, ये आपके टेबल पे पानी की बोतलें रखी हुई हैं, ये गैर मुल्क की कंपनी की बोतलें हैं, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस किस्म का मुल्क हैं, ये हमारा ही पानी नलकों से लेके भर के हमें पिलाते हैं और डॉलर बाहर ले जाते हैं, ये अलमिया देखे आप इस मुल्क का, अगर सिर्फ साफ पानी ही हमें हुकूमत दे दे तो ये डॉलर बाहर नहीं जाएगा। हमने अपनी तालीम तबाह कर दी, हर बच्चा अब ए लेवल ओ लेवल में जाता है, अंदाज़ा लगाए कितने पैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, किसी और मुल्क से इतने पैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को नहीं मिलते होंगे, क्योंकि हमने अपनी तालीम तबाह कर दी, कोई मैट्रिक करना नहीं चाहता, मतलब कोई बच्चा कहता है कि मैं मैट्रिक करके आया हूँ तो उसको हम जॉब के लिए शायद कंसिडर भी नहीं करते कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ के आया हूँ। सो हमने जिस किस्म का माशरा बनाया, जिस किस्म की जो सियासी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसमें नेशनलिज्म का कोई आंसर नहीं है, हर चीज़ बेच दो, गैर मुल्कियों को दे दो, वो डॉलर ले जाए। और इस वक्त भी जो इकोनॉमिक टीम बैठी हुई है हमारे सर पे, ये काबिज है, ये बेचेंगे मज़ीद असासे और हमें मज़ीद मकरूज करेंगे। तो मसला ये है कि मैं हुकूमत में रहा हूँ 2008 से, इन एंड आउट रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान, और कहीं कोई पॉलिसी डिस्कशन नहीं हुई है। आप भी बैठते होंगे हाई लेवल मीटिंग्स में, वो एक नैरो वो लगा हुआ है कि सर ये फाइल आई है, फाइल पे क्या लिखना है, टनल विजन है, कोई ग्रैंड पॉलिसी नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं एनर्जी मिक्स की, मैं आपको कह सकता हूँ, आपने कहीं ये डिस्कशन हाईएस्ट लेवल पे सुनी है कि पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स कैसे हम बदलें ताकि जो एक क्राइसिस बार बार आता वो ना आए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। मैं बांग्लादेश गया था एक दफ़ा, मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मेरा क्लास फेलो कैबिनेट सेक्रेटरी था उस वक्त, आज से कुछ 15 साल पहले की बात है। तो मैं संडे को पहुँचा, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी थर्सडे से पहले नहीं मिलूँगा। मैंने कहा ठीक है। थर्सडे को जब मुलाकात हुई, उसने कहा रीज़न आई डिडंट मीट यू बिफोर कि एवरी वेनसडे सुबह 9 बजे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग शुरू होती है और ख़त्म होने का टाइम नहीं होता, कभी रात 12 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, एंड दैट मीटिंग इज़ ऑलवेज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एवरी वीक एवरी वेनसडे एक एक स्कीम को वो पूछती है, अच्छा ये कहाँ पहुँचा, अगर बॉटलनेक है क्यों है, कैसे रिमूव करें, क्या रिजल्ट्स हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 20 साल में किसी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने मईशत को तवज्जो नहीं दी है। तो ये पॉलिसी का इशू है, काबिलियत इस कमरे में बहुत है, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं अगर कहीं काम कर रहा हूँ तो किसी ने उसका सुपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, उसमें बिजली भी होनी चाहिए, जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं अकाउंटेंट्स हैं वो भी होने चाहिए, जो सपोर्ट पूरा एक होता है, सिर्फ एक सामने मशीन हो या सामने कंप्यूटर हो और मैं बैठा हूँ तो मैं क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ पूरा। जैसे हम रिसर्च के इदारे में अगर होते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर और रिसर्चर नहीं होता, उसकी पूरी एक पॉलिसी, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इस मुल्क का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मैं आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो मैं लास्ट क्वेश्चन फॉर मी बट आई एम गोइंग टू ओपन इट। हाँ नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने अपने प्रोफेशंस में हैं, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, आप इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हम सब शहरी भी हैं इस मुल्क के, और हमारा फ़र्ज है कि हम शोर मचाएँ, आवाज़ उठाएँ, मुतालबा करें हुकूमत से कि उन्होंने इस मुल्क को मुल्क के लिए चलाना है, ये बिट्स एंड पीसेस में फैसले करके आगे हम नहीं बढ़ सकते। शुक्रिया। अब मैं इस अब ओपन करते हैं इसको क्वेश्चन आंसर्स को।
ऑडियंस में से और कुछ हमारे मीडिया के भी लोग बैठे हुए, एक मैं सिर्फ एक बात कह दूँ खासतौर पर अपने मीडिया के लोगों के साथ कि देखें, हम जो खासतौर पर अर्थ साइंस के जो लोग हैं वो अगर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं या किसी कंपनी में चले जाते हैं तो उन सबको एक सवाल का सामना करना पड़ता है जो इतना रिडिकुलस सवाल है कि मैं आपको बता दूँ सवाल क्या है, हर एक को सामना करना पड़ता है। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विल एग्री विद मी कि ये सवाल ज़रूर आता है हमारे पास, और वो सवाल आज से कई साल पहले पाकिस्तान में जनरेट हो गया था फॉर सम रीज़न, और शायद अगर हमारा मीडिया इस काबिल होता कि हमें टीच कर सकता, हमारे परसेप्शन बिल्डिंग करता है, कौम की ओपिनियन बनाता है, कि हमें बताता कि ये किस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें जो हो रही हैं। वो सवाल ये है, और अभी तक लोग ये करते हैं कि बलूचिस्तान में हमारी गैस मौजूद है और तेल मौजूद है, वो ईरान से कोई हमारा माहिदा हो गया था किसी ज़माने में, और क्योंकि वहाँ की गैस ख़त्म हो जाएगी इसलिए हम यहाँ से निकालते नहीं। ये आप लोग सबसे सवाल होता है, हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं कर सके, और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी कमजोरी हमारे मीडिया की है। कि अब यही कुछ ये केकड़ा के मामले में भी हुआ, हर किस्म की ऐसी बातें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये सारी चीज़ें, इसी के ऊपर हम जिंदा हैं, ये कौम के इसी में हम बस मस्त रहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई। जो आपने दोनों बातें की हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया के सामने कह रहा हूँ, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल मीडिया, राइट। सो उम्मीद है कि आपने आज के डिस्कशन से जो अभी और भी सवाल होंगे बहुत कुछ जाना होगा और इन बातों को आगे बढ़ाए। वो कहते हैं ना, यसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर आपको पता नहीं है तो अहले इल्म से पूछ ले, यहाँ पे बहुत सारे अहले इल्म मौजूद हैं, इनसे पूछ के फिर इस चीज़ का जवाब दिया करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाया करें। तो मुझे भी बताया गया है, थैंक यू कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम जो क्वेश्चन होंगे मुख्तसर और जवाब भी मुख्तसर, क्योंकि हम अगले 10 मिनट में वी नीड टू कंक्लूड इट। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं मीडिया से, जो हजरात हमारे या ख्वातीन आई हैं उनमें से कोई अगर सवाल करना चाहे, अगर जी मैं पहले इसको कंप्लीट कर लें। जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया वो ऐलान ये था कि ये इतना बड़ा रिजर्वॉयर है कि इससे गैस निकल आई तो कई सालों तक हमारे बढ़, इसमें कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं थी। अलबत्ता इसको जिस तरीके से उनको बताया गया, जाहिर है कि आज यहाँ पे इस फोरम में लोग बैठे हुए जो कि इस इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि 12% पे आपने क्यों ड्रिल किया था, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं। तो वो एक मिनट, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये ऐलान कर दिया कि इतना बड़ा रिजर्वायर है कि अगर यहाँ से डिस्कवरी हो गई तो इतने अरसे तक हमें गैस मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन ये कि उनको जाहिर है कि जहाँ से फीड होती है टेक्निकल इंफॉर्मेशन वो सारी इंट्रोडक्शन, ये अगर का लफ्ज प्राइम मिनिस्टर ने नहीं इस्तेमाल किया था, आप कर रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटिव, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास उन्होंने डेफिनेटिव स्टेटमेंट दिया था कि निकल आया है, ठीक है। मुझे कार्ड दे दो तो मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा फ्रंटियर एक्सप्लोरेशन का रिस्क, चांसेस, सक्सेस और क्या क्या किस तरीके से आप करते हैं। तो फ्रंटियर एक्सप्लोरेशन तकरीबन 6-10% चांसेस सक्सेस के ऊपर आप काम करते हैं, क्योंकि हम जाते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, तो हम 40% चांसेस सक्सेस पे भी काम करते हैं, हम 40% से ऊपर बहुत मुश्किल है, यानी हमारे चांस ऑफ फेलियर हमेशा चांस ऑफ सक्सेस से ज़्यादा होते हैं। आप कहेंगे क्यों ड्रिल करते हैं, यानी ऐसे एरियाज में जहाँ डिस्कवरीज मौजूद हैं वहाँ भी हम 40% चांस ऑफ सक्सेसफुल ड्रिल करते हैं। हमारा गंबट साउथ का ब्लॉक है, हमने तकरीबन वहाँ पे कोई 14 डिस्कवरीज कर दी हैं, 13 डिस्कवरीज कर दी हैं, वहाँ पे हमारा चांस ऑफ सक्सेस जो है वो 27% या 30% होता है। तो आप कहें क्यों ड्रिल कर रहे हैं, 70% चांस ऑफ फेलियर है। ये एक्सप्लोरेशन के बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी का फैक्टर है, और यही फैक्टर इसके अंदर रोमांटिसिज्म पैदा करता है। इसी फैक्टर इसी 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 चीज की वजह से
इसी चीज की वजह से पाक वर्ल्ड में ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज हुई है कि लोगों ने चांस लिए हैं, रिस्क लिए हैं और इन्वेस्टमेंट की है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेल ड्रिल करने जा रहे हैं तो अब इसमें निकल आया है सब कुछ और आपको पहले से पता है अब आप ड्रिल कर आप ड्रिल करके सिर्फ निकालेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, इट्स इट वाज अ नोन रिस्क. अच्छा बेटा आप सवाल कर लें, पहले नहीं फोन पे. अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं मीडिया की तरफ से और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी एज अ आवामी नुमाइंदा समझ लें कि हमारे मुल्क से एक खबर आ रही तो एक्सन नोबल का मैं जो उसका जिक्र जरूर करती क्योंकि हमने यही खबरें पढ़ी कि एक्सन नोबल की निशानदेही पर ड्रिलिंग की जाती है, एपीएल या ओजीडीसीएल पर नहीं की जाती. और आप तो माशाल्लाह हमारे मुल्क के इदारे हैं, आपकी तरफ से इस किस्म की छोटी सी कुछ खबरी की न्यूज़ होगी हमारी कॉम के लिए वहाँ से निशानदेही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है. लेकिन क्योंकि बाहर से निशानदेही की गई तो हमारे लिए मैटर करती है, हम उसको सेकेंड करें. दूसरी बात, अगर हम आपसे जानना चाहें या मैं पीपीएल से या ओजीडीएल से हकाइक जानना चाहूँ कि वाकई जो है सप्लाई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो हमें ये सुनने को क्यों मिलता है कि वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट डाली है हम उसको सेकेंड करेंगे, हम उस पर कुछ नहीं. नहीं नहीं, गलत बात है. डॉक्टर शकील ओजीडीसीएल के, उन्होंने टीवी के ऊपर बोला है, टीवी पे बोला है, प्राइम मिनिस्टर तक की बात पहुंची है, उन्होंने टीवी पे बोला है कि प्राइम मिनिस्टर ने इमेच्योर अभी प्री मेच्योर स्टेटमेंट दिया है. ये मैंने ये टीवी के ऊपर उन्होंने बोला है. और एग्जॉन मोबिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि एग्जॉन आप पूछे तो ऑयल कंपनी से आके पूछे तो ईएनआई से आप ऑपरेटर से आके पूछे ईएनआई बस जो ऑपरेटर आप उससे पूछे ना कि एग्जॉन मोबिल का नाम क्यों लिया जा रहा है. आप मैडम मैं सिर्फ आपको छोटा सा जवाब दूंगा इसका कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से एरिया वाइज. पाकिस्तान से मुलहक जो ईरान का एरिया है वो भी तकरीबन उतना ही बलूचिस्तान के साइज़ का है. वहाँ पे भी एक कतरा ऑयल का और एक बबल गैस का नहीं है. गैस और ऑयल के जो ज़खायर हैं ईरान के वो इराक और ईरान के बॉर्डर पर है या नॉर्थ में कैस्पियन सी के पास है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास नहीं है. एक बात ये, और दूसरा ये कि जमीन के अंदर तेल और गैस की नहरें नहीं बह रही हैं. जमीन के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं 10 स्क्वायर किलोमीटर के 25 स्क्वायर किलोमीटर के, उसमें हाइड्रोकार्बन जाके फिल होता है. ऐसा नहीं होता कि गैस जो वहाँ से निकालते हैं. अच्छा अच्छा ये इसका मैं जवाब दे देता हूँ. एक्सॉन मोबिल, इन्होंने बताया था, शायद मैसेज नहीं पहुंचा. एक्सॉन मोबिल वॉज द लास्ट पार्टनर इन दिस जेवी. उनको उनसे 10 साल पहले मोइन साहब को बता था कि यहाँ पे ये कुछ है. 17 साल में इस वजह से कि इट इज वेरी नाइस टू स्पीक अबाउट द कलर ऑफ द पासपोर्ट आल्सो वर्क फॉर ऑयल कंपनीज. देखिए एक्सॉन मोबिल लार्जेस्ट कंपनी है ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में, लेकिन वो एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ इस वेल के लिए आई थी, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट डाउन स्ट्रीम में था. हमारी कुछ नेशनल साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी है. 200 साल तक तो गोरों ने हम पे हुकूमत की, अब फेयर एंड लवली वाले गोरे आते हैं हम इम्प्रेस हो जाते हैं. अच्छा अब ये मसला ये है कि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम और क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे. अब आप लोगों को पर्सनली डिनर के दौरान इन हजरात से आप पूछ लीजिए सवाल, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ेगा. चीज़ें कवर हो गई, बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई. जस्ट मैं कंक्लूड करते हुए एक दो जुमले ये कह देता हूँ. मैं 1985 में बदीन में काम करता था, तो मैं ब्रिटिश कंपनी थी एक SSL के नाम से, तो मेरा पार्टी चीफ था, वो मुझसे कहता था, रे नाम था उसका, वो कहता था कि मिस्टर शाह यू हैव डेजर्ट्स इन योर कंट्री, यू हैव कैमल्स इन योर कंट्री, वेयर इज़ द ऑयल. ठीक है ना, तो ये जो मीडिया का मामला है कुछ ऐसा ही है. वो कहते हैं कि ये तो सारी चीज़ें फिर ऑयल क्यों नहीं मिलता, मतलब मीडिया क्या, बहुत से लोगों का मामला ऐसा ही है. साहब ने कहा कि मैंने जरा प्राइम मिनिस्टर की तरफ आई वॉज फेवरेबल, दिस राइट इमेच्योर स्टेटमेंट था, तो इमेच्योर जाहिर है कि नए दिन थे प्राइम मिनिस्टरशिप के. ओडीसीएल ने रिबट भी किया था, वो जॉइंट वेंचर के एक तरह से नुमाइंदे थे, तो ये चीज़ें हो गई थी. जब रिबट किया था तो मीडिया को उसको लेना चाहिए था उसी तरीके से. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई, कुछ पॉलिसीज की बात भी हो गई, कुछ इमेज की बात भी हो गई. आई थिंक ये चीज़ें अब ये मीडिया और हम लोग भी अपने सर्कल्स में आगे बढ़ाएं,
कुछ पॉलिसीज के हिसाब से बात हो, बलूचिस्तान के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए, आपने बहुत अच्छी बात की ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के हिसाब से कि हम शैलो साइड के ऊपर जाएं, फ्रंटियर बेसन्स के अंदर जाएं, बड़ी जान है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों में भी बहुत जान है, पाकिस्तान के बेसन्स भी अभी अनएक्सप्लोर्ड है, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, इंडिजिनस हमारे रिसोर्सेज भी जनरेट हो सकते हैं और साथ से कोई पॉलिसी ऐसी भी बननी चाहिए जिससे हम इंटरनेशनली भी चीज़ों को देख सकें, दूसरी कंपनीज के साथ हम भी ये काम कर सकें जिसके करके उन्होंने फ़ायदा उठाया और आगे बढ़े। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस नशिस्त में आने का। अब ये मज़ीद ऐलान इंतज़ामिया की तरफ से हो जाएगा।